सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD आई वधी का अपडेट लाए बेल आइकन की क्लिक करियो मुझे सिन के सलाम सलाम सुन मुझे सिन के सलाम सलाम सुन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सलाम सिंध में अवां के कयो का भली कारमाया तमा जो पंजो मेज़बान आसिफ सियाल ए मूसा गड आ है अज़रा खान आई इन पेरे ये मतलब जस्टर रिडो सो मके खले अची वई सो बहरहाल अच्छा क्यों मारो जो ताके मा लव्स चयो मैं इन एन मके ते ही डठो सो बहरहाल सबई की आयो ठीक आयो आई दा सबनी के जो को है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मुबारक हो जाए अच्छा मुबारक इने करे दी दिया छो छो जो अन खोड़ सारी शयूं ताके सेट ते नजर इंदियूं खोड़ सारी शयन ते पण गलाईंदासी आई मुसवरी हिकड़ो एड़ो आर्ट आ जेते वाकई में आसिफ जेत्रो गला जे उतरो घटा बिल्कुल मुजो तो मुजे मन पसंद नहीं है उन ही करे इयो उठाए सकन ता हां एक्चुअली मा लाई डाउन आ तबीयत जे हिसाब सा पर मा ये के पंज सेट ते रंगीन तस्वीरों दिसा पियो कलरफुल जको आसो पेंट्स दिसा पियो आई रंगन सा के प्यार न होंदो आ आई जी मां हमेशा चवंदो आ त रंगा रंगी सुबह जको आ सो असा जी इंतजार करे पई इन सेट ते तो पो जगह इन सेट ते पुजूं पे असा के चारों तरफ है जको आ सो आर्ट दिसो पे तमा आई मां बचपन का रिसंदो आयो आ के आर्ट कितरो न खूबसूरत तिकड़ी जको आ सो शे आ है आई मके वे बार वे वडा वे मके इलाही पसंद आयन त वे जरे मुसवरी कंदा आयन आई मुखे डाडी तकलीफ वरी थींदी आहे जेकर असां बचपन में ॾिसंदा हुआसीं कि काफ़ी अहिड़ा स्कूल में छोकिरा जेके हूंदा उहे ड्रॉइंग में तमामु उन्हनि में महारत हूंदी मतिलबु हू हथ ई घुमाए वञनि त हिकिड़े लाइ छा ड्रॉ करे छॾनि पर मां उन्हनि खे वरी पोइ वेस्ट थींदे ॾिठो उहो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन्स में हलिया विया पर उहा ई ॻाल्हि आहे की असां वटि हिकिड़ो वे न आहे हिकिड़ो अवेयरनेस न आहे की तव्हांखे जेकॾहिं कंहिं शइ में इंट्रस्ट आहे त हे दुनिया आहे हिकु वॾी दुनिया आहे हे रंगनि जी दुनिया वॾी दुनिया आहे ऐं तव्हां हिन में पंहिंजा ख़्यालात तव्हां पंहिंजी इमेजिनेशन जेका तव्हांखे सॾनि अची ख़्याल अची वञे ऐं तव्हां जेको आहे सो हुन में पेपर ते कैनवा ते ड्रॉ करे छॾींदा आहियो ऐं वाकई में सही चयो तव्हां त दुनिया इलाही वॾी आहे ऐं रंगीन दुनिया आहे इंसान खे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे पाण खे सम्झ में न ईंदो आहे त हाणे असां कहिड़ो रंग जेको आहे सिलेक्ट कयूं माना असां कहिड़े शोबे में वञूं असां खे छा करणु खपे कोई ड्रॉइंग में महारत रखंदो आहे कोई स्टडी में महारत रखंदो आहे कोई मतिलबु कंहिं में दिलचस्पी हूंदी आहे पर जेका आर्ट आहे आर्ट जेका आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो सॼो दिमाग़ जो कमु आहे ऐं वेही करे कंहिंखे सोचे वरी उनजी तस्वीर ठाहिणु या उनखे ॾिसी करे उनजी तस्वीर ठाहिणु काफ़ी आर्टिस्ट जेके आहिनि अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु सोचे करे तस्वीर ठाहींदा आहिनि ऐं काफ़ी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॾिसी करे तस्वीर ठाहींदा आहिनि त इहा बि हिकिड़ी वॾी महारत आहे ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इन जे लाइ बि जीअं ड्रॉइंग जे लाइ असां चयो त असांजा काफ़ी ॿार स्कूल में अहिड़ी ड्रॉइंग कंदा आहिनि जो टीचर ॾिसी पाण ई मतिलबु हू हिकिड़ो उनखे एप्रिशिएट कंदो आहे त भई एॾी सुठी ड्रॉइंग माना बनिस्पत ॿियनि ॿारनि जे त अॻियां उन्हनि खे वञणु खपे पर उहा ई ॻाल्हि आहे जीअं ॻाल्हि उन ते अची वञे त दुनिया गोल बि आहे ऐं रंगीन बि आहे त जॾहिं असां वरी थोरो अॻिते था वञूं त वरी कुझु ॿिया रंग था मिलनि अॻिते था वञूं कुझु ॿिया रंग त कॾहिं कॾहिं पाण खे ई माण्हू खे इहो थींदो आहे त असां कहिड़ा रंग सिलेक्ट कयूं पर जिन पंहिंजी लाइफ में ही रंग सिलेक्ट कया जेके आर्टिस्ट आहिनि जेके आर्ट सां तालुक़ु रखनि था उहे बि हिकिड़ा अनमोल ख़ज़ाने वारे माण्हुनि मां ई आहिनि जेके अनमोल माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि मां ई छो जो हीअ आर्ट करणु जेका आहे उहा हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि न हूंदी आहे त तव्हां कंहिंखे ॾिसो वरी हूबहू तव्हां ओड़ी ई तस्वीर ठाहियो त इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आर्ट जा हिन में बि काफ़ी जेको आहे सो हिन में हीअ बि दुनिया आहे जीअं ॿुधायोसीं तव्हांखे कि हिन में बि अॼुको जेको प्रोग्राम आहे हिन में असां डिस्कस कंदासीं उहे शयूं जेके आर्ट सां रिलेटेड आहिनि ऐं जीअं असां चाहींदा आहियूं कि असांजा ॿार इन्हनि शयुनि में लॉस था कनि जेकॾहिं उन्हनि खे इंट्रस्ट आहे त असां उन्हनि जो फील्ड्स पंहिंजे मर्ज़ी सां फेराए करे असां ॿियनि उन्हनि शोभनि में उन्हनि खे उछलाए छॾींदा आहियूं ऐं ॿारनि जो जेको आहे सो थी सघे थो असां हिकिड़ो दुनिया जो हिकिड़ो वॾो को आर्टिस्ट पंहिंजे फैमिली में पंहिंजे फ्रेंड सर्कल में पंहिंजे स्कूलनि में ज़ाया कयो हुजे कहिड़े तरीक़े सां ज़ाया कयूं पिया ऐं उहे असांखे अॼोके जेको आहे सो हिन सेट ते जेके महिमान ईंदा उहे तव्हांखे ॿुधाईंदा ऐं केतिरा क़िस्म आहिनि आर्ट जा हे आर्ट जी दुनिया आहे त हिन में केतिरा क़िस्म आहिनि कहिड़ी कहिड़ी पेंटिंग अचे थी कहिड़ी कहिड़ी स्केच आहे इहे सब्जेक्ट्स आहिनि इहे इन में बि जेको आहे सो स्पेशलाइज़ेशन आहे ऐं कलर जी सिलेक्शन छा हूंदी आहे ऐं आर्टिस्ट जीअं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं की आर्टिस्ट ॾाढो सेंसिटिव हूंदो आहे पर मां जेको ॾिठो आहे वाकई में सेंसिटिविटी हूंदी आहे आर्टिस्ट में हसास हूंदो आहे पर इहे पेंटर्स जेके आहिनि
खास कर पेंटर्स जी के आएं मानन के डिठो आ ये बिल्कुल मासूम टाइप हुआ मुझे मुझे फेवरेट जो पेंटर है गुलजी साहब आई उन जी छाता उन जो अंदाज हुंदो हो छात उन जी अंदर ये लगंदो कि खुदा को उन जी शख्स के अंदर वसियल आए सो मुखे लगंदो आए कि खुदा इनन के डाडो पसंद कंदो आए हन जेको आए सो हन फील्ड के इन आर्टिस्टन के आई यकीनन आज उनन के काफी शयो आर्ट सा रिलेटेड भी आई ये जे अंदर जी जेको आ सो खुदा किए इनन में समाए तो आई इनन का आज अयो की जेको आ सो पण कचहरी में काफी डिस्कशन कंदा से वाकई में असा उनन का पुछनासी त हनन ही आर्ट वाली दुनिया में किए कदम रखियो किए उनन के शौक पैदा थियो सो मां थोड़ो जी वॉक करना चाहे हां मां चाहे ता दिखारो भी yes. जो कोई सामो छा कलर जी कॉम्बिनेशन है एक त एबीसी है अस इनके एबीसी नजर अचे पी पर इन में कलर्स कड़े तरीके से फिल थे इन आर्टिस्टन जो उनका पुछंदे उन्होंने प्रोफाइल ते डिस्कस क्यों पर हे ऐसो हे हबीब बैंक प्लाजा है कराची जी ठीक है ये कड़ी खूबसूरती से ठहल है उनका हे एक्सप्रेस मार्केट पी लगे कराची जी ठीक है ढी खूबसूरत ठहल है हे मस्जिद थी लगे सदर जी अगर मैं गलत ना आया तीन ऐसी सो कराची जो शहर दिखारे वो है समझा पो जो उन खूबसूरत किया जैसे ख्याली हिसाब से असं तो कड़ो खूबसूरत थी सके तो एक पेंटर की नज़र से ऐसूँ असते कराची शहर से कम क्यों तो पेंटर जो है जो चुम इमेजिनेशंस में गुम थी वो है हे जिका पेंटिंग दिसो पे मुखे डाडी वणे पई है डाडी पसंद आए मुखे गर्ल दिखारी वही है इनते जो मुखे लगे पो छंडा जे थोड़ा पेंट जा जे ड्रॉप्स उछलाया पाया पर छा तखलीक है ये मतलब उनजा हेयर इन हेयर त इनजा है क्लियर आइन पर हे डॉट 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 जे उछलाया पाया यो माने छा है उन पेंटिंग जे लैंग्वेज में छा केड़े तरीके सा जो आर्ट है वो असा के आर्टिस्ट ही बुधाइंदा असा जस्ट एको दिसो पे त स्केच है आई स्केच लवर्स जे जिनन के शौक है जे असा स्टूडेंट्स हैं जिनन के स्केचिंग जो शौक है आज उहे भी मौजूद होजन ताकि असा उनन के स्केचिंग जे बारे में बुधाई सकूं आई हे भी तमाम ब्यूटीफुल है आई एकड़ी गर्ल है पंजी दुनिया में गुम है कि सोचे पई आई गुल उन जी जिको चिन्ह ते लगल है सो आई हे बार है आई हे बार पढ़े पियो किताब पढ़े पियो आई छा त आई ने जे कपड़ा फाटल दिखाया गया है इन कपड़ा फाटल दिखाया गया है गुरबत दिखारी वही है आई यकीनन वो बार पंजे इश्क रखे तो पढ़ाई सा पर केनन पंजे हालन का बावजूद रही करे पो भी पंजे इल्म पिराए पियो किताब पढ़े पियो किताब पढ़ने जो शौक अथस ए बियो भी काफी पेंटिंग्स ता असांजी सेट ते दिसो पिया त पो यकीनन तहां अज असांजे उनन आर्टिस्टन सा मिलन चाहिंदा हुंदो उनन सा उनन का बुधन चाहिंदा हुंदो आई असा के अजो के प्रोग्राम में स्पोंसर के हुआ है तमा बुधायो बिल्कुल असा के जित ता खबर आ है त अज जो असा ने अज जो शा बल्कि इन मॉर्निंग शो ज ला असा के स्पोंसर के हुआ है जीएफएस वारन बिल्डर्स ए डेवलपर्स उन दी बड़ी मेहरबानी आ जे के हमेशा असा के सहकार कंदा रहंदा इन प्रोग्राम्स के थ्रू आई बी ओ यो दिसो जी रोज असा बुधाइना प्लॉट्स के ला फ्लैट्स के ला बंगलो के ला तो जाहिर गल आसान किस्तुन में जैसे एतरू खूबसूरत असके रहन के लिए रिहायशी जगह भी मिलन तो खपे सो बहरहाल वही मेहरबानी जी एफ एस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारन जी जिन्हें खूबसूरत ट्रांसमिशन से लाए असा सहकार कयो आहे ऐ उम्मीद कयो था अगया भी यही सहकार कदा असा भी कंसीडर कयूं पया के जी एफ एस बिल्डर्स सा जल्दी राबतो करे अजरा ही मां भी जको सो कई जगह वठूं ठीक है नजरा मुझे नाले ते वो जगह हुंदी मुखे ता एतबार ना है इंशाल्लाह ता के आई बस नई चली मुता के लिख नी चली सो व्यूअर्स मुते एतबार ना है भला शो आ एतबार आ बा आजकल जमीन आ भा भा जो ना है आई के ते एतबार के जे उस्ताद बादल ना ता जे दिसो पोएट्री में दिसो अखबार में दिसो चे बा भा जे को सो भा के ही करे छजो भा पी के धकणी छजो ना असा केतरा भी मुस्कुरायो पर एकड़ी गाल है त एको समाज जी कूड़ो एकड़ो असा जो को है ना चंदन बिटर ट्रुथ ने ट्रुथ कूड़ो न हुदा पर जो को है पैसो डाडी
बुरी शे सिंधी गाल सोली सिंधी में चे जे त केर गुज वो पजो मतलब वो नथो अजरा पैसो बुरी शे हरगिज ना है बुरो इंसान है बुरी लालच आहे बुरो हिर्स आहे पैसो न डियारींदो आ इंसान जी फितरत डियारींदी आ हवस डियारींदी आ हिन के हिन मानु आजमाण जे लाए हाँ पैसे जो तांगे कुछ न कुछ खड़ो पंदो माँ मुखे आजमायो माँ तां सब बदल आया हाल में फिलहाल पर जगह मुझे नाले देती थी अच्छा तो पैसों कुछ ना है सो बहरहाल पैसो वाकई में इलाही इंसान के लालची करे छनी दो आ पैसो अड़ी शे आ पर असा जीएफएस बिल्डर ते एतमाद करे सकू था जीएफएस बिल्डर्स ते असा एतमाद करे सकू था अई बियो यो जका अज में ड्रेस वेयर कया जका ता दिसी रहया हो अज जरे साहब सुठी कलर भी सुठो आए हया किया वरन जी वडी मेहरबानी जिन असा खे जको आ है ही ड्रेस दिनी आए जको आ है हया किया वरा यही ड्रेसेस दींदा रहन वेयर कंदी रहन नो डाउट अज ड्रेस वाकई सुठो भी आए सुठो लगे भी पियो ता ते बिल्कुल आई जको आ हया किया वरन के मा नथी छै सका तो ता जो ख्याल कन छो जो उनन वट सिर्फ लेडीज ड्रेसेस है सही है मा चाहे यो तो ता ही पायो बिल्कुल सो हया किया वरन मेहरबानी बाकी जगह है ना कि नीचे GFS अब भाई यार ताबूत होता है ना कि फ्लैट या जगह या प्लॉट नहीं चाहिए मुझे तरफ सही है मुझे तरफ ताके मिली हो ठीक है लिख जी भी हो ठीक है ना नाजमा है बो यो ये गालियों ये रुको दस्तावेज ही देना है पर ब्रेक वठना से ना तफसीली डिस्कस क्यों था बिल्कुल सो ब्रेक वठना से वाकई में ब्रेक जो भी टाइम थे आए ब्रेक खां पो तो हां जो का गंता वंचो काली ने ब्रेक आपो जल्दी वापस इना सी छो जो खोड़ सारी गालियों करनी उन आर्टिस्ट हुंदा असवट मौजूद उनन सा खूबसूरत कचहरी करना सी इनन खूबसूरत रंगन जे बारे में सो बहरहाल सलाम सिंध में वठु था ब्रेक काई ब्रेक आपो करे मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध Welcome back. एक दफ़ो भी रिता सभी के भली कार क्यों था सलाम सिंध में आए जी तार ऐसी रहे असो खूबसूरत सेट चुको है खोड़ सारी मुसवरी से अज सिंगारे वो है खोड़ सारो गाली भी उनते सो बहरहाल GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वन की वही मेहरबानी जिन असें खूबसूरत ट्रांसमिशन के लिए सहकार किया है एतरा खूबसूरत मौका दिना GFS वन वाकई में तक जिथे 35 lakh जो प्लॉट जो है 26 lakh में मिले तो अना खे सो बहरहाल अस खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं आसिफ जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन कराइंदो बिल्कुल रंगन की जैसे गाल जदे भी इंदी है ना तो मां यकीन कियो के उनन में मां चवंदो कि उन शे के बाकायदा न सिर्फ जो सो कचहरी क्यों पर उन डे के उन रंगन के ढी के सेलिब्रेट क्यों आर्टिस्टन की जी मां गाल बुधाई अजो का जी के आर्टिस्टन या मां जी आर्टिस्ट की गाल क्या बचपन का मुखे एकड़ो आर्ट आर्टिस्ट जो वो दुनिया जो माना पाकिस्तान जो ना पर दुनिया में उनको वो नालो है गुलजी साहब मरूम उन्हें जो मुख्य आर्ट उन शख्सियत उन गल उन मिजाज उन वो वणंदो जैसे उनके ये महसूस मुख्य वाकई तो माना वाकई खुदा उनसा को एतरो राजी है उन गलण उन लगन वो आर्ट में वो कलर की दुनिया में वो माना ये गुम थी वो है कि उनके मतलब छेड़छाड़ के ही न हो जो कम कह गुम है सो बहरहाल उन बारे में यो छो या कैफियत छाई है एक आर्टिस्ट ही बुधा सके तो समझा सके तो सो असा गड जी आर्टिस्ट हैं उनके तारुफ की तरफ हलूँ पाया खोड़ सारी कचहरी कहे जे भी खास कर स्टूडेंट्स जे पेरेंट्स जो चाहन था उनार जो नंढा चाहन पाया कि उनकी ड्राइंग सुठी है स्केचिंग सुठी है अगत वन आर्ट में छो वधन सो सब कुछ डिस्कस कंदे अजो के प्रोग्राम के जरूर ऐसो शुरू का एंड तई सो मां हलां पे तारुफ की तरफ सब का पे असो सो मेहमान गर मौजूद शकील अंजुम साहब शकील अंजुम साहब आपको वेलकम करते हैं सलाम सिंह थैंक यू नेक्स्ट अस गेस्ट हैं सईद खावर पीरजादा डायरेक्टर मुगल आर्ट गैलरी के आप हैं और आपको भी हम वेलकम करते हैं सलाम सिंह ट्रांसमिशन में मसूद अख्तर साहब लगे ही मतलब एकड़ो जेन्युइनली आर्टिस्ट पियो आई का कैप इसके कैप को सर क्या कहते हैं कौन सी कैप है ये कैप को तो काफी मैंने देखा पेंटर्स आर्टिस्ट जो है ना वो लगाते हैं गेटअप बड़ा अच्छा है आपका आर्टिस्ट पहने होते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम करते हैं आपको सलाम सिंध बहुत बहुत शुक्रिया असा सा गेट माशूक अली उमरानी साहब हैं गुलूकार हैं जगतारो चपड़ी सा अगर असा के बुधाइंदा उस्ताद बादल राही आयन या इन सा गर साईं उस्ताद बादल साईं आर्ट यो भी आर्ट है ऐं छाई गाल आ इन ते वजो
कचहरी कहसी मोहम्मद अली नाले मिठो साहब भी असा गड है। सो सर बाकायदा हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। शकील साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो है ना अनफॉर्चुनेटली कि ये जो दुनिया है ये आर्ट की जो दुनिया है तो इसमें एक एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है जी जी। और मैं जब आपको देखता हूँ तो आप अगर पीछे जाएँ काफ़ी हम उस 10-15-20 साल पहले जी चले जाएँ तो इस पर तो और ज़्यादा होगी जी जी। तो मैं इंट्रो में जब प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने यही डिस्कस की कि हमारे स्कूलों में हमने देखा बच्चों की बड़ी ड्राइंग अच्छी होती थी और ये हमने मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देख के बड़े बड़े आर्टिस्टों को देख के तो हमने काफ़ी ऐसे टैलेंट ज़ाया कर दिए होंगे जी बिल्कुल। तो इस आर्ट के बारे में हमें बताएं और किस तरह से इसको हमें ऑन करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, शो में हम आए, हमें अच्छा लगा, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। तो ये असल में जैसे जैसे वक्त आ रहा है, आज से 10-15 साल पहले ये मैंने एक तस्वीर भी पीछे लगा दी है कि जो बच्चा पढ़ रहा है जी और उसकी एक्कासी यही है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, फटे हुए कपड़े, गरीब आदमी है तो उसकी सकत नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है कि वो इस चीज़ को आगे अफोर्ड कर सकें। तो इस दौर में भी ऐसे बच्चे लाखों की तादाद में हैं, उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फुरसाने हाल नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत जो है जैसे अभी हालात चल रहे हैं ये तो दुनिया है, यहाँ तो कभी भी हालात सुधरने की बात अगर हम करें या उसका हम इंतज़ार करें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जी। मगर वक्त के साथ थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता है उसमें फिर नई चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये माशाल्लाह काफ़ी वक्त के साथ इनमें टैलेंट आ रहा है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है और रंगों में, बुरशों में और इस काम में जिद्दत, तजरीदी आर्ट के ज़रिए बुरशों में जिद्दत आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी बच्चे की सपोर्ट करें, चाहे एक भी बच्चा है, किसी भी तरीके अगर उसकी सपोर्ट करें तो वो बिल्कुल आगे जा सकता है। और वो सिर्फ एक बच्चे की सपोर्ट नहीं होगी, वो समझो कि पूरी एक इंसानियत है जो आगे चल के बहुत कुछ करना चाहेगी और वो करेगी और फिर उससे आगे एक से दो होंगे, चार होंगे, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता है। सही जी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आप जैसे बच्चों की सपोर्ट करें या एक हो या उससे ज़्यादा हो, जैसे आसिफ ने आपसे सवाल किया कि 10-15 साल आप पहले पीछे चले गए जब आपने ये मुसव्वरी का काम स्टार्ट किया, इतना खूबसूरत काम आपने सिलेक्ट किया, तो क्या सोच के किया कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना चाहिए? माहौल को देखा, आपके इर्द गिर्द के माहौल को देखा, या क्या जहन में आया? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बल्कि समझो कि मुझे आप आज से मुझे बचपन में ले के गई। असल में ये जो फ़न है ये अल्लाह की तरफ से मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा हुआ। और मेरी ये हालत होती थी बचपन में कि मैं अपने घर के बर्तन, कागज़, दीवारें, हत्ता के जिस तकिए पे सोता था उस पे भी रात को जब देखता था कि कोई भी नहीं है तो मार्कर से या किसी भी चीज़ से ड्रैंग करता था। अच्छा। और मैं शुरू से बचपन से मैं अलग रूम में सोता हूँ, ये मेरी बचपन से एक शायद कुदरती पैदाशी ये चीज़ अल्लाह ने अता की थी, तो वो चलती रही चलती रही, फिर पड़ोसियों के, फिर इसी तरह मोहल्ले में, शहर में लोगों की दीवारें, और इसी तरह फिर घर में शिकायतें आती थी, फिर डांट भी पड़ती थी। तो मैं जब घर वालों ने ये चीज़ देखी कि भाई ये तो बाज नहीं आता, तो ये मैं आज बता रहा हूँ क्योंकि पिछला शो भी एक हुआ था तो उसमें मैं नहीं बता सका, सोच के आया था कि मैं बताऊँगा। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, शाम का टाइम था, सर्दियों का मौसम था, कि यार वो एक मैंने इश्तियार पर आपका नाम पढ़ा है। तो मैंने कहा मेरा नाम भी उन्होंने लिख दिया है? तो उसने कहा बिल्कुल, तो कल नुमाइश है 12 रबीउल अव्वल की। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ, मैं इस काबिल उस वक्त भी नहीं था और अभी भी समझो कि मैं इस फन का जुनूनी आदमी हूँ। एक होता है शौक, लेकिन मैं जुनूनी हूँ। अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो मेरे फेस से पता चलता होगा, यानी कि जुनून है, यानी कि करंट है। बिल्कुल शकील साहब, आर्टिस्ट तो बिल्कुल जी बिल्कुल गुम ही हो जाता है। तो मैं फिर मतलब कि बाला साहब से मैंने बात की कि भाई मुझे एक चार्ट चाहिए, उस वक्त वो चार्ट था 2.5 रुपए का। अच्छा। जो आज 20-25 रुपए का है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं बाजार गया, फिर जो रंग लेडीज इस्तेमाल करती हैं कपड़ों में, हाँ। वो मैंने लिए रुपए 2-2 के, घर ले गया। पूरी रात मैं अलग रूम में बैठ रहा था, मैंने लिखा था सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ब्लैक उसका कलर था,
उसकी जो बैकग्राउंड थी वो कलर मैंने की थी, लेकिन उसके पीछे एक डिज़ाइन बनाया था। सुबह हो गई थी, सुबह का मैंने नाश्ता किया, फिर मुझे वालद साहब ने कहा कि ये पैसे हैं 500 रुपये, जाके फ्रेम कराओ। फुल शीट थी। सही, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं माजिद दे माथों गराया। गुड मॉर्निंग। तां जो वेरी वेरी गुड शो आ, आई लाइक द शो। थैंक यू। एंड आई विल टॉक विद यू ऑन दिस टॉपिक आल्सो, ड्राइंग टॉपिक। थैंक यू सो मच साईं। अस वेलकम पे क्यों आर्टिस्ट अस सा कर रहे हैं। आर्टिस्ट डे आया है। वेलकम। सो ओ कॉल सर, तमाम जिद्दा सऊदीया से कॉल आई थी। और ये आर्टिस्ट जो है ना, मैं समझता हूं हर इंसान जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ वो आर्ट लाइक चीज भरी हुई है, तो वो चीज आर्टिस्ट को ही अपील करेगी। तो हम यही कोशिश करेंगे आज के शो में, हम मैक्सिमम थोड़ी करके हम ज्यादा चीजें वो लोगों को मासेस को अवेयरनेस दें। तो सर प्लीज कंटिन्यू करें आप। तो बस फिर यही हुआ कि सुबह हुई, मैंने नाश्ता किया, तो वालद साहब ने पैसे दिए, मैं फ्रेम करा के लाया। तो मेरे दिल में एक खौफ था, इस पे बात फिर बाद में भी करेंगे क्योंकि ये भाई साहब भी बैठे हैं, तो हम एक नुक्ता उठाएंगे तो उस पर भी बात होगी। आर्ट खौफ के बारे में, बच्चा था, मतलब ये बच्चा इतना भी नहीं था, तो वो मैं ले के गया जिस जगह पे नुमाइश थी, वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग रखी हुई थी, मदीना मुनवरा, मदीना पाक, खाना काबा, कैलीग्राफी। यानी कि मैं जब गया ना तो मैंने देखा तो वो फ्रेम शुदा पैक थी, वो मैंने जाके उल्टी रख दी, मैं बाहर निकल गया। अच्छा। अब मैं इतना दूर था, जैसे काफ़ी ये रोड है, फासला है, तो मैं जाके बैठ गया। मेरे साथ वो दोस्त था जिसने मुझे बोला था, तो उसने कहा तुम परेशान हो। मैंने कहा यार इतने बड़े आर्टिस्टों में मैं तो नमक का ज़र्रा भी बहुत बड़ा है, तो यार ये तुमने क्या करवा दिया है। बहरहाल ये हुआ कि कुछ वक्त के बाद वो बंदे आए, उन्होंने कहा कि भाई अंदर आप भी आओ, आपकी पेंटिंग है जी है। तो बाकायदा हम खड़े हुए, तो वो चेयरमैन साहब थे, वो आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, सब कुछ हुआ। तो जब तकरीर उन्होंने की 5-10 मिनट की थी, तो मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ था, लोगों से काफ़ी पीछे था, दरमियान में छोटा रोड था, पीछे मैं देख रहा हूँ, और मेरे सकत थी, कप कपी थी, क्योंकि मतलब एज तो इतनी वो कम नहीं थी। तो मुझे आवाज़ आई कि जो इस नुमाइश के जो फर्स्ट प्राइज़ के हकदार हैं वो जनाब शकील अंजुम साहब हैं। वो जब आई तो मैं एक दफ़ा मेरा दिमाग चकरा गया, फिर मैं खड़ा रहा, फिर उन्होंने 2 दफ़ा मुझे बुलाया। तो जब मैं गया तो मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ आज भी, मैं इस काबिल नहीं था। कुरान मजीद पहले उन्होंने मुझे दिया, फिर एक और इनाम मिला, फिर पैसे थे वो मुझे अच्छा, मिले। जी आपने बहुत काम किया है, जाहिर सी बातें, तो आपसे मजीद हम बात करेंगे, लेकिन सईद खावर साहब बैठे, आपकी आपकी हवाले से मैं प्रोफेशन की बात करूं तो साइंटिस्ट हैं बेसिकली ना आप, तो आर्ट पे आपने कैसे रुझान, आपका भी आया वही सवाल कि आपने क्या सोचा कि आर्ट की तरफ भी जाना चाहिए, साइंस और आर्ट, आपने क्या फ़ायदा लिया है आर्ट से, आर्ट से साइंस के हवाले से? जी बिल्कुल, एक्चुअली आर्ट है एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, साइंटिस्ट जो है वो तो मटेरियल से और जो है वो तो अपनी चीज़ें बना लेता है, उसके पास भी ब्रेन होता है, लेकिन कुछ भी ना हो, सिर्फ कलर्स हो, पेंसिल हो और आप कोई चीज़ तख्लीक कर दें, तो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बचपन में पैदाइशी तौर पे, और इसमें भी जब पैदाइशी तौर के ऊपर बहुत एक अहम नुक्ता है जो मेरी एक आंटी हैं डॉक्टर ज़ाहिदा बकाई, उन्होंने बताया गोल्डन मिनट होता है कि बच्चा जितनी देर में सांस लेता है उतना उसका ब्रेन डैमेज होता है। अच्छा जी, तो आपको वहाँ से, बल्कि एंटीनेटल केयर से केयर करनी पड़ती है कि वो माँ जो उम्मीद से है उसको आपने एक्टिविटी क्रिएटिविटी करानी है ताकि ब्रेन टिश्यूज डेवलप हों, ताकि वो आपके हाथ के साथ, आपके ज़बान के साथ, वो तमाम चीज़ों के साथ वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हों और वो परफॉर्मेंस करने के काबिल हों। तो ये चीज़ जब हम देखी कि भाई हमारे यहाँ तो हम लोग हाथ से काम करते थे बचपन में, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन में शुरू से साइंस क्लब के हवाले से प्रमोट करता आया हूँ एक्टिव हाथ से काम करना है। वाह। और आर्टिस्ट हाथ से ही काम करते हैं सर, हाथ से काम कर, हमने तो देखा है बच्चे हाथ साफ करते हैं अपने, वो हमारे घर की दीवारों पे, ठीक है, दीवारों पे सारा वो करते हैं।
तो आप जिस तरह सर ने कहा कि मैं भी यही करता था, तो ये बच्चों, हम तो बच्चों पे गुस्सा होते हैं, बच्चों को डांट क्या कभी लगा भी लेते हैं एक दो, तो मतलब ये बच्चों को हम फ्री हैंड देना चाहिए, अगर नहीं तो दूसरा अल्टरनेट क्या है जो बच्चे एक्टिविटी करें और इस इंटरेस्ट को वो ज्यादा करें? जी जिया? एक तो ये कि उनको मटेरियल दें, उसको नेचर से करीब रखें, उनको आर्टिफिशियल दुनिया से दूर रखें, क्योंकि उस वक्त उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो बन रहे होते हैं, एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ब्रेन जो मेन कोर है वो बन रही होती है। 5 साल तक हमें, 5 साल तक बच्चे की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है कि उसका होल ब्रेन डेवलपमेंट हो जाए, और जो है जब मटेरियल के करीब होगा वो एक्टिवेट कल्टिवेट करेगा, मटेरियल को देखेगा, खुद कुछ करेगा, तो उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी आएगी और वो जो उसके अंदर इतमाद होगा तो वो उससे उसकी शख्सियत बनेगी। इसमें आर्ट एक वाहिद मोस्ट अवेलेबल एवरीवेयर, बहुत चीप जो है ना एक मटेरियल है, कि आपके पेंसिल कितने की आएगी, कागज़ कितने का आएगा जी। तो अब आप जो है अगर दिमाग में कोई जहीन होंगे, ब्रेन होल ब्रेन डेवलप्ड होगा, तो आप कुछ ना कुछ बना लेंगे आप। सही। तो अच्छा, जैसे अभी मसूद अख्तर साहब बना रहे हैं कुछ, बाद में दिखाएंगे कि क्या बना रहे हैं, और हमारी कैमरा भी जो है वो फोकस कर रही है, तो ये आप थोड़ी मतलब ये पूछना चाहूँगी कि जब आप कोई भी तस्वीर बना रहे होते, जैसे अभी आप बना रहे हो, तो जिसका नक्शा आप जहन में रखते हो, एक तो होता है जहन में रख के बना के, एक होता है देख के बना के, तो अभी जो आप बना रहे हो ये क्या बना रहे हो आप? ये मेरे जहन में एक आइडिया आया था फलस्तीन के मौजू पे। अच्छा। तो फलस्तीन के मौजू जो है, जिस तरह इसराइल बमबारी कर रहा है वहाँ पे, तो उस मंजर को मैं इस पे अक्कासी कर रहा हूँ। वो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में अपना एक्सेस में डाल रहा हूँ, मतलब इसके अंदर बिल्डिंग्स हैं होंगी, बमबारी करते हुए दिखाना होगा, एक बच्चा उसमें होगा और बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है पूरी तरह, एक मस्जिद का मीनार साथ में दिया है कि उसके ऊपर बमबारी हो रही, पीछे बम्बिंग दिखानी। तो ये अभी मैं स्केच इनिशियल में कॉन्सेप्ट अपना इस पे लेके आ रहा हूँ अपना। बहुत मैं वहाँ से बात भी कर रहा था और मेरी नज़र इस स्केच पे भी जा रही थी जी। तो मैंने पहले तो ये सोचा कि मुझे वेट करना चाहिए, जब कंप्लीट हो जाए तभी मैं देखूँ, लेकिन फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस तरह से आपका हाथ वो इंटरेस्ट देख रहा था, लैंग्वेज बॉडी जो थी वो देख रहा था, तो सर कह रही हो, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट देना अपना जो वो एक जहन में ला के मैं उसको पेपर कैनवस पे उतारा हूँ। यानी हमारा काम जो ना ऑब्जर्वेशन का होता है, आर्ट जो है, यानी छोटा बच्चा जो भी होता है ऑब्जर्वेशन करता है, वो फिर जैसे ही कुछ होता है तो वो उसको स्केच करता है जी। ब्रेक जो टाइम थे तो सलाम सिंधी और था ब्रेक एंड ब्रेक खा पे गए मुझे सलाम सलाम सुन मुझे सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक दफ़ा बीहर तव सभी के भली कार क्यों था सलाम सिंध में आए जी, तो तहां जो को जी तो अस ब्रेक था वापस आयासी तो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारी वही मेहरबानी जिनके सहकार से असो ये खूबसूरत प्रोग्राम हले तो खूबसूरत प्रोग्राम छो न चौं अज तो अधिक ही खूबसूरत थी जो चारों तरफ जो है रंग ही रंग आन उन में वही एतरू सहूलतूँ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वन के तरफा मिलन तो अधिक जो है मजो इंद है। बिल्कुल जो आर्टिस्ट मौजूद हैं आर्ट जो है ना वो तो मैं समझा पो कि आर्ट के थ्रू जो दुनिया के मैसेज तेई सको पा जी फलस्तीन जो जुल्म जो थे पो उन हिसाब से एक स्केच ठान पा मसूद साहब वो जैसे कंप्लीट थी वी वो असके डेखारी आर्ट के थ्रू तक कर सूँ उन भी डिस्कस कहे पर सब का पैर जो है सो मां सईद खावर पीरजादा साहब देम सर ये जो आप ने लेकर आए थे हमने काफ़ी टाइम से मैं नज़र मेरी जा रही थी इस पर बेसिकली ये है तो कुछ बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी से रिलेटेड और ये जैसे हम कहते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस ठीक है जी, तो सर ये है क्या चीज़ और इसका मकसद क्या है इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें जी। बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो आर्ट का ताल्लुक ब्रेन डेवलपमेंट से है तो ये एक ब्रेन डेवलपमेंट टूल है जो कि एंटीनेटल केयर से शुरू होता है कि आप उन माओ को आर्ट करवाएं, इतना कोई ज़्यादा इसमें महंगा नहीं है जी। और उनको आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाएं, जब बच्चा जहीन उसका ब्रेन बन जाएगा
तो और जब बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाएगा तो उसके बाद फिर जब वो आपको उसको आप मटेरियल देंगे तो उसको ABCD आप मार मार के ना सिखाएं, उसको ABCD डिस्कवर करवाएं कि वो जब किताब में देखे वो कहते ये तो मेरा ए है, ये तो मेरी बी है, ये मेरा सी है, और जो है और इसमें एक मैटर फोनिक्स का भी है कि आप जो है वो बच्चे को ABCD सिखाने के अंदर ही उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। वो कहता है ये क्या है। एक सेकंड के लिए बात रोकूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। असल में होता ये है कि आर्ट जो है वो पैगाम है दुनिया का, बल्कि इस कायनात का एक खूबसूरत पैगाम है, प्यार, लव जी। ये जो मार पीट है ये आर्ट नहीं है, ये तो हम लोग करते हैं, इसलिए बच्चों की मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा भी इनके साथ ये बात इनकी मैंने रोकी है, तो मेरा भी ये पैगाम है कि बच्चों को प्यार मोहब्बत दें और ये चीज़ें दें ताकि वो करें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए फिर एक्टिविटी किस तरह से ये बच्चे परफॉर्म करें घर में। जी बिल्कुल। तो ये एक समझ लें, एक माँ जो बच्चा है ज़ाहिर उसको दोस्त चाहिए बच्चे खेलने के लिए, तो वो चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर वो अपने पड़ोस के अपने दोस्तों के बच्चों को भी बुला ले और ज़्यादा एक घंटे से ज़्यादा ना उसे खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप वो बच्चे जो है वो एक्टिविटी करेंगे, ये खुद बनाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, वो ABCD बनाएंगे जब बनाएंगे, अब बनाएंगे उसके बाद ये बन गया, अब वो इस पर करल करें। देखें वो बच्चा अभी छोटा है, वो पहाड़ ये तमाम चीज़ें भी नहीं बना सकता, लेकिन आपने उसको एक एपेटाइजर देना है कि तुम आर्ट की तरफ वो रागिब हो जाए। सर, ये किस एज के बच्चे की आप बात कर रहे हैं? ये जो है बच्चा तो बहुत छोटा भी इसमें आ जाएगा, लेकिन उसके सामने जो प्ले पार्टनरशिप विद द पेरेंट्स होगा ना, पेरेंट्स जो है बहुत आसान चीज़ है कि वो इसकी डाई होती है जी। कि आप जो है वो तमाम खवातीन जो सब देख रही हैं, हम ये आपके चैनल के तवसुत से उनको कहेंगे कि अपने और अपने बच्चों को अगर मुस्तकबिल में आपको कोई कामयाब इंसान बनाना है तो उनका ब्रेन बनाए और उनको ABCD उनको अगर थोपे नहीं किताब में, आपने इतनी सारी ABCD दे दी वो परेशान हो गए कि पहले तो एक पेज पे एक ए था और अब वो एकदम से ख़त्म होके वो 50 और पूरा एक पेज आ गया, तो बड़ा एक मेंटल टॉर्चर है। तो उसको एक प्रॉपर टाइम मोहब्बत को पैदा करने दें ABCD के साथ। तो ये चीज़ जो है वो उस चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर में एक काफ़ी है, वो तो हज़ारों बना लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जो है इसको पानी में डालेंगे और ये खुद ब खुद ये बन जाएगा। तो बच्चा ये देखेगा, एक साइंटिफिक फिनोमेना है कि जिप्सम की क्रिस्टलाइजेशन हो गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिस्टलाइजेशन हो गई, पाउडर और पानी मिल के ये बन गया। Right. वो कहेगा ये तो मैंने बनाया या मेरा ये है, मेरी प्रोडक्शन है। वाह। उसके बाद जब वो खूबसूरत जो है वो ये बन जाएगा तो सब उसकी तारीफ करेंगे। तो बच्चे की तारीफ भी बहुत जरूरी है कि उसने परफॉर्मेंस की है, कुछ काम किया है तो तारीफ हो रही है। सर बहुत अच्छी बात कही। ये जो आप साइंटिस्ट भी हैं और आप बच्चे के माइंड को उसके ये न्यूरॉन्स कहते हैं जिसको आप उससे एक्टिवेट सही वाकिफ होंगे। बिल्कुल। सर क्या ये होता है कि हम कभी कभी सैडनेस कुछ ऐसी पेंटिंग बनाते हैं या बच्चा बनाता है और बच्चे की पेंटिंग से उसकी साइकोलॉजी का भी पता चल जाता है? बिल्कुल। ठीक है, तो किस तरह की पेंटिंग जो है बच्चों को इनकरेज करे कि वो बनाए जिससे उसके दिमाग के जो सिस्टम है सेल्स डेवलप हो फ्रेश? बच्चों के हवाले से तो ये होगा कि वो बच्चे पेंटिंग नहीं बना सकते, वो तो एक वक्त के साथ उनके जब वो सीख जाएंगे तो बनाएंगे। बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको टाइम दें, उनको प्ले पार्टनरशिप दें। पेरेंट्स बच्चों को एंड्रॉयड के हवाले ना करें, वो खुद जब तक बच्चों को टाइम दे के बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो वो उनके बड़ी नहीं बनेंगे। अच्छा, जैसे आपने अभी फिजियोलॉजिकल या इस तरह दिमाग की बात कर रहे हैं आप, तो ये एक तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ भी यही लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल हेल्थ। तो एक तरफ कैंची है, एक तरफ मतलब कुछ इस तरह कप वगैरह बना हुआ है, पानी जा रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है बनाने का? इसका मकसद ये है कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटीज के हैं, तो अब आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो जो बहुत ज़्यादा अपर क्लास है वो अपॉइंटमेंट लेके जाती है, क्योंकि वो बहुत महंगे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक एक घंटा वो साइकोलॉजिस्ट आपसे बातें करता है जी। जबकि दूसरा जो मेडिकल डॉक्टर है वो एक घंटे में 50 मरीज देख लेता है क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, वो 2 मिनट में फारिग कर देता है। तो अब वो इतने ज़्यादा पेशेंट भी नहीं देख सकते, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये कर रहे हैं कि
मिडिल क्लास को साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए कि उनको भी तो ज़रूरत है, तो हम साइकोलॉजी से कह रहे हैं कि आपकी बातें बड़ी मुश्किल हैं, तो आप आर्टिस्ट हजरात की हेल्प लें और अपनी जो डूज एंड डोंट्स हैं जिनसे ब्रेन डेवलप होगा उसके स्केच बनाएं, हम उसको बनाएंगे। सही। दूसरी बात मैं एक छोटी सी करूंगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आपने सवाल अच्छा किया। ये जो आर्ट है ना, कोई भी है, ये भी आर्ट है, हर चीज़ आर्ट है, बल्कि हम जैसे बैठते हैं तो ये भी एक आर्ट है, अपने आप को संभाल के बैठते हैं कि अच्छा लगे, इस तरह आर्ट है, ब्यूटी है ना असल में। मैंने पहले बच्चों को जब ये पेंसिल और कागज़ दे दिया जाता है तो आप उससे 100% बल्कि 200% आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुस्तकबिल में कहाँ जाएगा। तो लोग इसको गलत लेते हैं असल में, मतलब अगर कोई वो आँख बना रहा है, कान बना रहा है या कुछ चीज़ें बना रहा है तो वो गलत रहेंगे कि नहीं ये तो फालतू काम है, इसको कहाँ दे दिए, घर में डिस्करेज नहीं करना चाहिए, घर में झगड़ा भी हो जाता है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम ऑन लगो बेटा, जी सही, टीवी का वॉल्यूम बंद करो प्लीज। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे प्लीज। हेलो, जो कॉल में ख्याल में डिस्कनेक्ट थी भैया। वालेकुम सलाम, आने की हाल करे ना है गला है वो। सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दे प्लीज, बंद कर दे, कॉल डिस्कनेक्ट थे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि मैंने जो फर्स्ट टाइम तस्वीर बनाई थी वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने शुरुआत इतनी अच्छी करी, तो अब तक आपने अपनी लाइफ में पूरा जो भी आपका है निचोड़ कितनी तस्वीरें बनाई है, और आपकी अपनी पसंदीदा तस्वीर क्या है, क्या बनाना ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, मैं ऑलराउंड हूँ, पिक्चर भी बनाता हूँ, लैंडस्केप भी बनाता हूँ, कैलीग्राफी भी करता हूँ, मगर वो कम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आर्ट के बारे में ये भी आपने अच्छा बोला है कि आप क्या पसंद करते हैं। हर चीज़ जब आर्टिस्ट पेंट करता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, तो वो हर चीज़ सेल के लिए नहीं होती। हमारे स्टूडियो के अंदर या कोई भी आर्टिस्ट है, सीनियर है, जूनियर है, तो उसके स्टूडियो में अगर आप जाएंगे ना तो उसमें 1, 2, 3 ऐसी भी पेंटिंग होंगी कि जब आप देखेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे, और फिर जब आप ये सवाल करेंगे कि ये आपने सेल नहीं की, गैलरी पे नहीं दी, तो वो बोलेगा नहीं ये बेचने के लिए नहीं है, मेरी रूह को तस्कीन मिलती है। ये होता है, हर चीज़ सेल नहीं की जाती, बिल्कुल, क्योंकि आर्ट है। कुछ चीज़ें हम अपने लिए भी पेंट करते हैं, जिस पे दिल करता है ना, कुदरती बात है जो चीज़ इंसान को पसंद होती है वो कमाल पे जाती है, बिल्कुल। हर चीज़ अच्छी बनती है, किसी का नुकसान आर्टिस्ट नहीं करता, कोई भी आर्टिस्ट हो वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ये ऐसा नुकता है कि अगर वो किसी का नुकसान करता है तो वो आर्टिस्ट है ही नहीं। सर कॉल कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام حافظ بہت اچھا نا خوش ہے اتنے بھیا دعا دعا الحمدللہ فرسٹ کلاس ابھی بتاؤ الحمدللہ خیر دعا لگ بھیا حافظ بہت تار کلوڑو جو گلا ہے کنیارو کا جس میں شروع فیروز بھلی کار بھلی کار پہ کیوں مجھے ایک تارے جا مانو آیو مہربانی قربا حافظ بھائی مکا پوچھنو اج تا ما سمجھا تو آرٹ دے دی ان بارے میں تا پروگرام کیو جی ای تا تمام کے بہترین یو ہے اج سائیں داری دل خوش تھی صحیح بس دادی سچو سچو ماشاءاللہ ہستی تا دے وچوں आप किसी की भी तस्वीर बना सकते हैं, बॉय गर्ल ओवरऑल, बिल्कुल सही आर्टिस्ट बिल्कुल टाइटेनिक वाली और एक तस्वीर तक न खपे न सर मुके तो आसा के पानी तस्वीर खपे अगर आसा पानी तस्वीर ठाराण चाहियो सर वाला गांदा ई ठाए दी ना संगे बिल्कुल ठाए बिल्कुल 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 ठाईदा से बिल्कुल सही ता जको आसो ता खेरी कोने नंबर डायरेक्टर का वठी छजो शकील साहब जो थीयो मसू साहब जो ता के बिल्कुल ठाए रीना ता जको आसो इंसान आप तो कह सके बड़ी मेहरबानी भा और बियो एकरो टेरेस ता जो पयो एकरो लगो पयो हाउसिंग अथॉरिटी यार जो फेज 4 में आदा या पूछा करनी है ये नॉर्थ टाउन यो केड़ी जगह पे जीएफएस जीएफएस ही गाला क्यों जी जी पयो ता जो पयो एकरो बैनर लगल आए जी जी बुदायो बिल्कुल हेडा है हेडा सॉरी हेडा ही लगला हेडा लगला
असा एडी एडी ने पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स इन आई एम थोड़ो इन कर कंफ्यूज थियो पे पेंटिंग जी गाल लाग पे के जीएफएस वाले नी गाल लाग पे बेट साइड वे थॉट इगो वाला है लास्ट टाउन वे हाउसिंग अथॉरिटी जो लगो पे रेजिडेंसी फेज 2 हां बिल्कुल है अथव स्कीम अथव इन जो नंबर दिनल थव 0800437700 टोल फ्री नंबर थव आई पो जो को 0301115761 0302828255578 ताकि जगह डिटेल में वठनी है किथे किथे आए किथे ये ना ताई ये तफसील जो आए सो इनन खा जो सो नंबर्स ते कॉल करे या जीएफएस जे के वेब ते पेज ते वनी करे उनन सा जो सो कनेक्ट थीविंदा त काफी इनन जो सुठो तव है आए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आए हां एक हैदराबाद में न कराची में आए कराची में जी हां वडी मेहरबानी सर ता टाइम दवा दिनो मोस्ट वेलकम बड़ी मेहरबानी तुम कॉल कई अस प्रोग्राम में सो सर आर्टिस्ट जो है हमारे आज वो हर जगह से देख रहे हैं ये एड्स भी देख रहे हैं और पेंटिंग्स भी देख रहे हैं तो सर मैं सिंगिंग की तरफ आते हैं क्वेश्चन करूँगा आपसे जो मैंने थोड़ा सा अब जब बात की कि वो तस्वीर हमें बनानी होती है कभी अपने वो महबूब की तस्वीर बनाते हैं तो मुझे रिनाल्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट वाला वो सीन याद आ गया सो ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है कोई आया हो कि मुझे कोई तस्वीर बनानी है कुछ ऐसी हो जो आप आर्टिस्ट मना भी नहीं कर सकते और कुछ और भी हो बिल्कुल मैं इस बात पे झूठ तो नहीं बोलूँगा बनाई है अच्छा जी बिल्कुल जाहिर है गाहक की डिमांड है और असल में जो आर्ट है ना वो यही है कि आपने अगर आपको कुछ भी बोला गया तो आपने बनानी है और ये अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा इनाम है और दूसरी बात ये है कि ये एक आर्ट है ये जो कायनात को तख्लीक किया गया है ये आर्ट है बनाया गया है इसकी ड्राइंग की गई है इंसान को जब बनाया गया था तो फिर एक दफ़ा टूटा है फिर बना है वाह 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 मिट्टी से बना है फरिश्तों ने बनाया अल्लाह का आर्डर था फिर रूह अल्लाह ने डाली है अपनी झलक दी है तो ये तमाम जो खसूसियात हैं और बल्कि मैं एक छोटी सी बात करूँगा ये जो मिट्टी की ढेरी होती है ना कोई आर्टिस्ट है कोई कैमरेमैन है आपके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कोई मजदूरी कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो अल्लाह ने मिट्टी की ढेरियाँ बना के रख दी सही हर के अंदर एक एक खासियत डाल दी है एक ऐसी मिट्टी की ढेरी थी जिसमें अल मुसव्विरो वाह 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 उनसे उनको तख्लीक किया गया तो वो मुसव्वर बन गए ये अल्लाह की शान है मतलब है कि ये रूहानी चीज़ है और अगर इस पे अगर इंसान तवज्जो करे और इसको जांचे देखे असल में हर चीज़ तवज्जो मांगती है जब तवज्जो नहीं होती कोई भी काम है जब हम तवज्जो से कोई भी किसी टाइप का भी कोई काम है कुछ कोई भी कर रहा है जब उसकी तवज्जो नहीं होती तो वो होते ही नहीं है और फिर उसका एंड पे लफ्स होता है उस दिन एक लम्हे के बाद या दो दिन के बाद कि यार असल में वो मेरा ज़हन कहीं और था सही कॉल आ गई है कॉल से बात अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर सारा सर खुश आयो सर साईं दुआ अल्हम्दुलिल्लाह आमी बुदायो खुश आयो अल्लाह पाजा करे बसान ठीक ठाक सर खैरियत है खैर खैरियत है दा जी प्रोग्राम में शामिल थी या आर्टिस्ट बैठा है ना सासा छा वणण चाहिंदा जी सही आर्टिस्ट के साथ इसी करे सही ऐसा के पांच उस्ताद याद अची गया वाह जी असाइंदा कैड काल जो उस्ताद असन सर जफर साहब सही अज माके आर्टिस्ट के दिसी करा याद अची उन जी असा भी एकरो अर्ज की बसाई के सही हेलो सही बिल्कुल काफी असा जा दिसो स्कूल में काफी उस्ताद होना ड्राइंग जी ता के पान के इंटरेस्ट आए ड्राइंग कंदा होता जी सर कंदा बिल्कुल साई जफर साहब जो असा अर्ज कियो से साई जफर साहब कैड काल जो असा जो आर्टिस्ट आए जफर जको असो डायरेक्टर जको सयो जी हां केट कॉलेज लाडकाने में सही अच्छा सही अच्छा हे भी असा जो जी हां असा के साईं के दिसी करे असा के पांच उस्ताद याद अची उन असा के सिखा दो आर्ट सही असा आर्ट वगैरह की कला एकड़ी थी दिया साईं बिल्कुल पने उस्तादन के याद करण खपे जिने जको असो को लफ्ज भी सिखायो आई मैं यकीन के होता असा हूं त आर्टिस्ट वाले शोबे में एक म्यूजिक एक होस्टिंग एक मीडिया के हिसाब से पर हे आर्ट जो आ सो इन जी पंजी एकड़ी वडी हसियत आए अजीम एकड़ो आर्ट आए भी वडी 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 मेहरबानी सही कॉल कई तमा अस प्रोग्राम में वडी अच्छा जी वडी मेहरबानी तुम कॉल कर छला द्वार में याद कर सही वडी मेहरबानी ता जी कॉल कर अच्छा
जब हम अभी गाने की तरफ आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर काम के लिए जैसे ये पेंटिंग अभी बना रहे हैं और ऊपर से म्यूजिक हो तो इनको भी और मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। तो अब गाना सुनते हैं, देखते हैं हमें क्या सुना रहे हैं। जी उमरान साहब, माशूक माशूक, हां माशूक अली उमरान साहब, क्या बताइए ना। जी भजा अड्या मनी दगवाए दुनिया कारण दीन विकणी उते ठही बैठा ठगा ये सारे वसीयत रसूल जी हूं बधी बैठा पगवाओ उन्हन चोरन मथाओ सग अज लधा सूत लते जन बारन जे शान में आया तो त एडी बकन बकवाए कपी दो साई कादन चे यार नासन सुधो नक खोले दिस कुर्बान में नाए फुरकान में फरक जे अन्या अथी शक अत फुट नहे पंजे पे जो कब्र में कुर्सी हूं दे मौला यदे अजी कब्र में कुर्सी हूं दे मौला यदे ओ उते काई ताकत ना है उते काई ताकत ना है मुल करन के रे कब्र में कुर्सी हूं दे मौला यदे कब्र में कुर्सी हूं दे मेरा
चाहिए कबूली गुलामी ओ चाहिए कबूली गुलामी साहब कमाल करे छे जलाल चांडे साहब वारो जको सो अज फील अचे पई शागिर्द आयो साईं शपरन वारो जको टच भी आयो वो भी साईं जेड़ो जलाल चांडे साहब जो आ चवंदा आन जेकर ता के सा इश्क कयो त उन जो जको सो तसव्वुर घणो कयो गायण में या सूरत में त उन जेड़ो सूरत भी थी वंदी आ पो ता जी सूरत भी जको सो जलाल चांडे साहब सा भी जको सो मैच थे पई मेहरबानी सो यो उस्ताद सा इश्क करण जो साईं वडी गाल आ या सो व्यूअर्स टाइम थी वो है कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था इन ब्रेक का पो मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन कार कयूं था जेदर ता सबनी की खबर आ ता सने खूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाए जिन से कार कयो आ है जी एफ एस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारन उनन दी बड़ी मेहरबानी सो बरल जो को आ है मसूद अख्तर साहब भी आन जेके पेंडी पेंटिंग में मसरूफ़ आहिन आप बनाते जा रहे हैं हम भी काफ़ी देर से देख रहे हैं आखिर में जो आए असा दिखारींदासीं ते छा पिया ठाहिन छा न अच्छा ये लगभग बन चुकी है अभी बना है सर आप भले बने शकील अंजुम साहब बैठे तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे सर इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि जैसे आपने जैसे ये तस्वीर बना रहे हैं अभी ना मसूद साहब ये तस्वीर बनकर अभी जैसे हम कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट एक अपनी तस्वीर बनाता है फिर मार्केट में वो बेचते हैं या जैसे इन्होंने सवाल किया कि आर्ट का कोई फ्यूचर है या नहीं है इस चीज़ में आना चाहिए या नहीं जो भी हमारी ओवरऑल बात हो रही है तो रोटी रोजी भी तो चाहिए होती है ना बंदे को बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या फ्यूचर है आर्ट का पाकिस्तान में तो इसका फ्यूचर है ही नहीं अच्छा मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी तो मैं दिखा नहीं सकता मेरे घर में ऐसी भी पेंटिंगें पड़ी हैं मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा ज़ाहिर है मैं भी आर्ट ही कर रहा हूँ आर्टिस्ट तो मैं अपने आप को नहीं कहता लेकिन जो भी करते हैं कोशिश होती है कि अल्लाह ताला हमसे अच्छा करवाए किसी को पसंद आए ताकि वो सेल हो कई कई सालों से पेंटिंगें पड़ी हैं और दूसरी मैं एक और बात करूँगा जिस पर बड़ा अफसोस होता है किसी की शिकायत या शिकवा नहीं है लेकिन जो होता है हम ज़ाहिर है दुनिया में रहते हैं हमारा हक बनता है कि हम उसकी शिकायत की बात नहीं हो रही अगर कहीं दे देते हैं तो वो पड़ी रहती हैं और जब वो पड़ी रहती हैं तो 3 माह 6 माह के बाद जब चक्कर तो लगते हैं कि यार अभी तो पड़ी है रख दी जाती हैं और फिर पता चलता है कि यार ये ले जाओ ये तो सही नहीं है तो दिल दुखता है तो मैं इसलिए बोलूँगा कि बिल्कुल आर्ट करें बिल्कुल करें भरपूर करें लेकिन पहले अपने पेट का करें फिर आर्ट दबा के करें वो सेल भी होगा सर बिल्कुल बंदा अंदर से खुश होगा जी बिल्कुल जब जब अपनी भूख खत्म हुई होगी तभी कुछ क्रिएट करेगा ना जी सर आपके पास गैलरी में काफी सारी पेंटिंग आती होंगी आप पेंटर्स जो होंगे आर्टिस्ट होंगे वो अपनी चीजें लेकर आते होंगे तो क्या सिलसिला होता है आर्टिस्ट से किस बेसिस पे आप जो है क्या पॉलिसीज होती है कि आप उनकी चीज सेल करते हो और क्या उनको प्रॉफिट दिया जाता है इसमें जो mughalart.net है उसको आप ब्राउज करें mughalart.net जी जी इसमें बहुत सारे पेंटर्स की जो है काम है रखा हुआ असल में आर्ट आर्टिस्ट को टाइम नहीं है अपनी मार्केटिंग का कहीं जी जाने जी का वो अपनी ख्यालात को और चीज़ों को प्रोजेक्ट्स में लगे हुए होते हैं लेकिन अब जो कैरियर की बात आ रही है तो इसमें इस कदर फ्यूचर है कि अब तो आपको डिजिटल हेल्प आ गई है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वेबसाइट पे डालें और वो जो है फॉरेन बिक जाती है
और क्योंकि एक वेबसाइट पे जब लॉन्च करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, आपकी गैलरी में तो 10-15 ही लोग आ सकते हैं या 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन वहाँ तो कई हज़ार मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं। राइट। तो अब ये नए तरीके जो आ गए हैं, क्या बात, मिलियंस डॉलर्स के अंदर पेंटिंग की कीमतें चली गई हैं। सर फिर इसका जो है फ़ायदा जो है काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें से जो है आप चीट भी कर सकते हैं। आम बंदा जो है एप्लीकेशंस काफ़ी हैं जो आपको बाजार तो लगेगा कि बिल्कुल वो है किसी से हाथ से बनी हुई है, तो इस तरह का कॉन्टेंट भी यूट्यूब पे मतलब डाल के बंदा कमा लेता होगा ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, जी। मैं ये कहूँगा हमने एक सिलसिला शुरू किया है मुगल आर्ट ने कि आर्ट इन पार्क। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक हम उस आर्टिस्ट की कदरदानी करें और फिर जो लोग आए हुए हैं, लोग वैसे कहाँ जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो हम क्यों ना उनको वहाँ आर्ट दिखाएं और उनका जो कम्यूनिटी है वो अपना आर्ट भी वहाँ पर शो करे। तो जो आर्टिस्ट हैं तो जब वो देखेंगे कि भाई हाँ ये मतलब जो है कम्युनिटी जो है देखे कि आर्टिस्ट कौन है, किस आर्ट का आर्टिस्ट से काम लगा हुआ है, सही, तो इस तरफ आएंगे। ये आर्ट अपनी हेल्थ के लिए है, वो कमर्शियल जो है वो तो बाद की बात है, लेकिन आप जब बच्चों से, स्पेशली मैं बच्चों की बात करूँगा कि जब बच्चों से आप आर्ट करवाते हैं तो एक्चुअली आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल हेल्प की तरफ जा रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ों को जो है वो आप कैनवेस कर रहे हैं। अच्छा अभी रिसेंटली मैं इसी बात पे इसको करूँगा कि किसी स्कूल में एक्टिविटी हमारी मेरी बेबीज़ की हुई, तो वो इंटरनेशनल कोई इदारा था जिन्होंने प्राइज वगैरह भी रखा हुआ है कि जिस बच्चे का आर्ट अच्छा होगा तो उसको हम जो है इनाम भी देंगे, तो क्या ये तो ठीक है स्कूल की हद तक कोई सी ने इन हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई, उन्होंने बच्चों को इनक्रेज किया, तो ये जो बच्चे हैं खुद से जो आर्ट करते हैं, तो ये जब आर्ट करते हैं क्या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हो गई या कोई आपकी एसोसिएशंस होंगी या जो अपना आर्ट डिस्प्ले पे लाए ऑनलाइन, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म से जहाँ पे बच्चा या बड़ा कर सकता है? बिल्कुल, हमने एक आम पब्लिक के लिए भी, छोटे बच्चों की कैटेगरी के लिए भी एक अलग हमने पोर्शन बनाया। अच्छा। कि आपके तवसुस से mughalart.net को अपना काम भेजें, वो उसको डिस्प्ले करेगा और किसी को पसंद आ गया तो वो अगर ख़रीदेगा तो वो जो है वो आपको जो है उसमें से जो है हम अपने थोड़े से पैसे रखते हैं, सही, तो वो सारे के सारे पैसे आपको चले जाएंगे। अच्छा मसूद साहब, आपका थोड़ा हम साथ हम ध्यान खींचेंगे, आप माशाल्लाह बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके हैं और फ़लस्तीन के जुल्म पे आप जिस जो चीज़ बना रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, इमोशंस में आपको नहीं लाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ जो है आपसे हम पूछना चाहूँगा कि बच्चे हम स्टार्ट जब कोई सीखना चाहे तो डिफरेंट इसमें भी आर्ट हैं, एक होता है कैनवा होता है, स्केचिंग होती है और आम ड्राइंग जो हम पेंसिल से नॉर्मल करते हैं, तो हम का अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करें तो पेंसिल्स के भी टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स होती हैं, तो बिगनर जो है जो जिसको शौक है ओवरऑल पेंट आर्ट का करने की, लेकिन उसको बिगनिंग क्या होनी चाहिए, स्केचिंग होनी चाहिए या ड्राइंग होनी चाहिए नॉर्मल? उसको स्केचिंग पे आना चाहिए। अच्छा अच्छा, स्केचिंग अगर उससे चेहरा नहीं बन रहा है तो आँख कान जो बुनियादी है ना ये पॉइंट, इनको पहले प्रैक्टिस करें। अच्छा अच्छा, आँख बना ले, नाक बना ले, कान बना ले, जब ये आपको सही बनाना आएगा तो फिर आप पूरा चेहरा उसको बना सकते हैं। हमारा उसका तरीका होता है कुछ, मतलब यूं कि एल मतलब ड्रॉ करते हैं या लाइंस ड्रॉ करते हैं फेस पुल बनाने के लिए, एक टेक्निकल चीजें हैं वो किस तरह से होता है कि आपका जो फेस होता है जी ये आपका सर्कल में होता है, जी जी, का बास बिजी होते हैं। अच्छा, उसकी एक डायमेंशन होती है फेस की भी, राइट, कि आपके आइस कितनी आइस पे आनी चाहिए, अगर एक आइस है तो दूसरी आइस के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, एक आइस का फासला होता है दोनों आइस के दरमियान, सही। इसके बाद पे नाक आती है तो आँख की एंड जो आती है ना वो एंड नाक के यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो वो फिर आँख की जो गोल पतली है उसके जो अंदर गोल बना हुआ लेंस है उसका जो सेंटर लेंगे तो आपका ये लिप्स के वो आ जाएंगे, राइट। ये टेक्निकल चीजें मतलब ये मतलब आम समझ लेगा, मतलब अगर प्रैक्टिकल करें, अभी तो हमें समझ में यूज यहाँ से जा रही है, आउटलाइन की पहले प्रैक्टिस करें, स्केच जो है सिंपल यानी शेड वेड ना हो उसको सिंपल प्रैक्टिस करें, और शेडिंग करें उसको उसकी उसके सरफेस उसके बैकग्राउंड वगैरह को लेके उसको
स्केच करें अच्छा, तो वो ऐसे तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को फ्री हैंड देना चाहिए कि अगर वो कुछ भी बना रहे हैं तो उनको बना देना चाहिए, लेकिन बड़े होकर अगर किसी को शौक पैदा होता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या मैं कोई ड्राइंग करूं या मेरी कोई ड्राइंग मैंने की है, नहीं मतलब एक सवाल है तो हर किसी का उस्ताद होता है, जाहिर सी बात है उस्ताद के बगैर टीचर के बगैर हम कुछ सीख नहीं पाते, तो क्या ये मुसवरी जो है वो हम सीख भी सकते हैं किसी भी या किसी से किसी और से, मतलब जैसे आपसे कोई, तो कितने बच्चे आपके नजर में है या आपके पास आए या आपके पास के हमें सिखाए? मेरे पास काफी आए, हर अलग अलग फील्ड के आए, मेडिकल के भी आए, आर्किटेक्चर के भी आए, इंजीनियरिंग के भी आए, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके स्केच आउटलाइन करता हूँ, मैं बिल्डिंग्स में करता हूँ और बिल्डिंग कैसे बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में मैनुअल बनाता हूँ मैं वर्टिकल में, इसके लिए पीछे मेरा वो लगा हुआ है काम, बिल्कुल कराची का मैंने, कराची के क्या कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? इसमें कराची की हबीब बैंक प्लाजा है, BCCI बैंक है, स्टेट बैंक है, अपना स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, उसमें अपनी मेहमून मस्जिद है, उसमें सीन मदरसा है, पूरी लैंडस्केप जो ना कराची का मैंने बहुत आला, बहुत आला इस तरह मुख्तलिफ मैंने कराची के बनाए, हाथ से बनाए, हाथ से बनाए और टावर के मैंने बनाए, पूरे एरियल बनाए। इस पेंटिंग को क्या कहते हैं सर? इसको एरियल व्यू कहेंगे, एरियल व्यू, एरियल व्यू यानी क्या? बर्ड आई व्यू। सर ये कौन से कलर्स होते हैं? एक एक्रेलिक होता है, एक पेस्टल होता है, मतलब ये और जो कौन क्रेयॉन्स होते हैं, ये किस पे बनी हुई है? ये वाटर कलर में बनी, वाटर कलर, वाटर कलर पेस्टल नहीं, नहीं वाटर कलर पेस्टल नहीं, ट्यूब्स, क्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, राइट, और केक्स भी होते हैं। अच्छा अच्छा, तो हमारे काफी दूर से वो सिंगर आए, वो भी आर्टिस्ट हैं, तो ये भी आर्ट चलता रहेगा, इस पे भी हम बात करेंगे, और जलाल जांडी मरहूम साहब को भी आज जो है हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं माशूक अली उमरानी साहब के गानों में। उभरियो सिज सूरन जो वो उभरियो सिज सूरन जो वो यार छले वा वठी खंबटरू भरुओ वयो दुखन में त छले यार करी बशके लेगारी किए कजे हन अण पड़ो वण सुबह शाम होया जे गड उहे विछड़ी वया साथी सुबह शाम होया जे गड उहे विछड़ी वया साथी सद साडी दहा जे सद उहे विछड़ी वया साथी करे किस मत छड्यो अतलो रखी जो दिल पर मुकदु करे किस मत छड्यो अतलो रखी जो दिल पर मुकदु सुबह शाम होया जे गड उहे विछड़ी वया साथे सद सा दहा जे सद उहे विछड़ी वया साथी करे किस मत छड्यो अतलो रखी जो दिल पर मुकदु करे किस मत छड्यो अतलो रखी जो दिल पर मुकदु करे किस मत छड्यो अतलो रखी जो दिल पर मुकदु करे किस
कमाल उस्ताद मज़ो अची वियो सफ़ा गुम करे छॾियव ऐं चाहिजो असांखे टाइम खे बि हुनखे ॾिसणो हूंदो आहे ब्रेक बि हूंदा आहिनि ऐं काफ़ी काफ़ी शयूं हूंदियूं आहिनि सो वियो सर टाइम थी वियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था जल्द हिन ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक व्यूअर्स तव्हांखे भली ॻाल्हि पिया चऊं ऐं असांजो प्रोग्राम ॾिसंदे ॾिसंदे ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे ईअं गुज़री वियो ख़बर ई कान पई यकीन आर्ट जेको आहे सो एतिरी त वास्ट फील्ड आहे ऐं हिन हिन में जेकॾहिं असां थोरी थोरी डिस्कशन कंदा वञूं कंदा वञूं कंदा वञूं त मां चवंदा कलाक बि घटि आहिनि अञा मुंहिंजा काफ़ी क्वेश्चन्स मेरे थे जो रह गए और काफ़ी चीज़ें जो थी बहुत ही मतलब जिस तरह से वाटर कलर हो गया पेस्टल कलर हो गया और कैनवास पे कौन सा कलर अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे वुड पे भी बंदा पेंटिंग करता है ये सारी चीज़ें थी टेक्निकल जो हमें वो डिस्कस करनी थी सो वो भी हम अधूरी रह चुकी हैं नेक्स्ट टाइम तो हम इस पे इंशाल्लाह फिर से एक प्रोग्राम करेंगे और आपसे मेरे ख्याल से जो ये तस्वीर बना रहे हैं अभी ये लगभग बन गई है बन गई है सर तो प्लीज दिखाना चाहेंगे इसको प्लीज सर ये हमें दिखाएं ये स्क्रीन पे आप दिखाएं ये मसूद साहब ने इसके बारे में बताएं भी क्या बनाया सर अब ये तस्वीर थोड़ा क्या डिफाइन करती है बच्चा है फलस्तीनी इसकी बम्बी हुई इसके माँ बाप भी मर गए इसके अंदर ये अकेला वो है जख्मी हालत में और पीछे मैंने इसराइल ने जो बम्बिंग की है इसके अंदर बिल्डिंगें तबाह होते हुए उसमें दिखाई है मैंने इसके अंदर वाह ये जो बच्चे की क्राय जो है और बच्चे की ईंटें वगैरह ये उसकी मुख्य इंप्रेशन आ रहे हैं उसके बिल्कुल बहुत जुल्म हो रहा है ताड़ी बजाओ सब मिली करे साईं जे लाइ मेहनत कई है कोरन बिल्कुल कमाल सर प्लीज बैठे जेके भी हे तस्वीरूं पोयां रखियल आहिनि हे शकील साहब जूं ऐं तव्हां जेको आहे सो जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजी स्केचिस ठाराहिणियूं आहिनि त तस्वीरूं त शकील साहब सां अप्रोच करे सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हांखे सिखणो आहे सो बाक़ी हा इहा ॻाल्हि बि ॾाढी सुठी कई हिननि अगरि सिखणो बि आहे त तव्हां हिननि सां राबितो करे सघो था अगरि तस्वीरूं ठहिराइणियूं आहिनि त बि तव्हां राबितो करे सघो था ऐं जेको आहे बहरहाल अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे उहो तमामु सुठो थियो ऐं इलाही शयूं जेके आहिनि उहे काफ़ी माण्हुनि खे हर फील्ड जे बारे में ख़बर हूंदी आहे पर डीपली जेका आहे उहा प्रोग्राम्स जे थ्रू ई असां ई कुझु चवणु चाहियां आप सर कुझु कहिड़ा चाह रहे थे देखिए आर्ट डे है और हमें अपने आर्टिस्ट की कदर करनी है जी। और अगर अपने आर्टिस्ट को आप इग्नोर करेंगे तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इग्नोर कर रहे हैं तो मेरी दावत है मैं खाई खिपरो खाई मेरा मैं खाई से हूँ तो मैंने वहाँ पे चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर खोला है और आप हजरात में जो भी अपने बच्चों के लिए चाइल्ड ग्रूमिंग सेंटर खोलेगा उनको मैं ये फ्री दूंगा चले जबरदस्त आखिर में जो कोहे वरी मां उधाईंदी लंदस इन खूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाइ असां सां सहकार कंदा आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जी उनजी वॾी महिरबानी ऐं जंहिंजी ड्रेसिंग हा जंहिंजी ड्रेसिंग वेयर कंदी आहियां उहा हयाकिया वारा उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी जिन जेको आहे मूंखे ड्रेस ॾिनो ऐं अॻिते बि ईंदी न हलंदा सो बहरहाल
प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म थी चुका है, आप सबका बहुत शुक्रिया, ऐसे शुक्रिया, खाली शुक्रिया नहीं। और जो ये मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि हम आए शो में बड़ा अच्छा लगा है। तो अपना जितने भी इस टीम के मेंबर हैं जिसमें कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जफर साहब, जावेद साहब, आप भाई, बहुत शुक्रिया, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमें ऐसे लगा है कि जैसे हम अपने घर में हैं। अब ये जीएफएस की तरफ से सर छोटा सा तोहफा आपके लिए, थैंक यू सो मच सर, ये आपका आपके लिए तोहफा और सर ये आपके लिए तोहफा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने ये ड्राइंग बनाई। और साईं हितां जलाए उमरानी साहब कलाम ता डाडा भला बुधरा है, आई मोहम्मद अली बादल साईं ता के मिलियो, ठीक है नहीं? आई व्यूअर्स यकीनन यकीनन ता अजो को प्रोग्राम इलाही सुठे तरीके सा डिठो होंदो, बुधो होंदो, समझो होंदो। जेकर ता अपने बारन के मुस्तकबिल में सुठो आर्टिस्ट ठाण चाहो पिया त हन आर्ट के जरूर प्रमोट कियो, स्केचिंग थी वे, ड्राइंग थी वे, कलर थियो, बारन के उनन से उनन के फैसिलिटेट कियो, उनके वठी दियो, बाय करे दियो, ये शऊ नुकसान न दियो, यो ता के आउटपुट दियो, तने बार तने दिमाग सुठो थिनो, उन जा ब्रांड सेल्स सुठा सुठा ठांदा, वो हैप्पी मूड में रहंदा। पेंटिंग तमाम दिलचस्प एक दुनिया है, पर बारन के जरूर 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 मुझी रिकमेंडेशन है, जरूर इन में जको सो इन क्यों। तो बहरहाल टाइम बिल्कुल खत्म थी चुका है, सिलसिला सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्रोग्राम में शामिल सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा लास्ट में जको है गानो आई वरी जिंदगी रे तो सुभाणे गन आयो तुझे संगत में तुझे मोहब्बत में दीवान इश्क लगो पाए करो वगो मस्तान संगत में तुझे दीवान इश्क लगो पाए करो वगो मस्तान मस्तान तुझे संगत में So
मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स डिसो हाने एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असा जो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी।